हेलो गाइस, ब्यूटीफुल मॉर्निंग टू एवरीबॉडी, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून जिसके वहाँ जो है. एंड लुक एट दिस, व्हाट इज दिस गाय डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग मामा? क्या कर रहे हो? वहाँ देखो, वहाँ देखो मामा. दिस इज आज फायर स्टेशन. फायर स्टेशन? नो. तो गाइस, फाइनली कुछ आ चुका है जो है कि आप गैस कर सकते हो. चलो इसके पापा आएंगे फिर खोलेंगे, है ना एडी? वी विल ओपन. हाँ, मेरे नोने एडी को लग रहा है कि ये टॉय है कोई, पर ये टॉय नहीं है. देखो सिर्फ, वी हैव टू वेट फॉर पापा. व्हाट इज दिस? अ कार. हाउ कैन अ कार बी लाइक दिस? इतना फ्लैट पतला सा थोड़ी ना होता है कार. दिस इज नॉट अ कार. मम्मा पुट दिस कार. ओके वेट, पापा आएंगे तब दिखाएंगे. अच्छा ये दिखाओ, अपनी टॉयज दिखाओ, कार दिखाओ सबको. व्हाट इज दिस? अ टोन ट्रक. नो, दिस इज अ मिक्सर. मिक्सर. हाउ, व्हाट्स दिस कलर? बस ग्रीन. यू लाइक इट? व्हाट्स दिस कलर? Hello. What is this color? Green. What is this color? Lalo. What's the color of this plane? Blue. What's the color of this wheels? Mom. Wheels ke color kya hai betu? Black. And? Orange. Good job. I'm proud of you. And what is the color of this car? Small. It's small, but what is the color? Orange. Good job. Acha bolo. Hello guys, welcome to my channel. तो बोल दो. Mama, this is a fit and fine car. Yes, fit and fine car. Mama. हाँ जी मेरा बच्चा, हम पापा के लिए वेट करेंगे फिर खोलेंगे. तो गाइज मैं तो एक्साइटेड हूँ, बताना चाहती हूँ आपको क्या है, मगर नहीं आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा. हे हे, बताती हूँ. ये हमारी गाड़ी की नंबर प्लेट है जो फाइनली आ चुकी है, और आपको दिखाती हूँ. मैं तो एक्साइटेड हूँ, बस इसके पापा आ जाए फिर हम आपको दिखाएंगे. अच्छा हेलो गाइस, देखो हमारा, शीतल ने जैसे आपको बताया होगा, हमारा नंबर प्लेट आ गया. तो ये रहा हमारा नई कार का नंबर विद नंबर प्लेट. ठीक है, ये आ गया. अब इसको ओपन करते हैं और फिर दिखाते हैं नंबर क्या है. नंबर हमें पता है क्या, क्योंकि हमने पहले सेलेक्ट करके लिया था. ठीक है, चलो देखो खोलते हैं पहले, और खोलते हैं फिर आपको बताएंगे इसका रेलेवेंस क्या है. हाँ, नंबर का रेलेवेंस ये देखो, इसका गाना सुनो. वेरी गुड. कौन सा फिंगर रह गया? ब्रदर. हाँ, हु इज योर ब्रदर? बेबी. चलो चलो पापा खोल रहे, पापा के साथ खोल रहे. पापा खोलो खोलो. बेचारे को ना इतनी एक्साइटमेंट, ऐसे लग रहा है इसकी कोई एक गाड़ी या कुछ है. खत्म होने वाला है. चलो खोलो खोलो जल्दी जल्दी. खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया. अम्मा कोई नहीं, आइडिया आपको तो शॉपिंग शाम को कराएगी मम्मा, ले जाएगी आपके, आपको शॉपिंग कराने. ठीक है, I will show you what we have for you. Oh my God, I'm excited. खोलो खोलो आराम से, सारे स्क्रू मम्मा के हाथ में दो. Be careful. And guys, देखो देखना. अच्छा एक ही दिखाओ पहले, gently, keep it gently. Irav, Irav, please, please stay there. बेटा लग जाएगी आपको, दोनों हाथ से. Number plate. Oh my God, guys, see HP 58113. कितना अच्छा लग रहा है ना, I'm so excited. How beautiful यार. अच्छा इसका रेलेवेंस बताओ, 1113. रेलेवेंस ये 1113, एक्चुअली वी वर सर्च, हम सर्च कर रहे थे 1319 या 1311. रीजन बीइंग क्योंकि एडी का बर्थडे आता है 13 नवंबर, और ईयर था 2019. तो 11 हो गया नवंबर, बट वो तो हमें मिला नहीं, 13-11 या 13-19 तो नहीं मिला, बट हमें ये 11-13 मिल गया. 11 इज इन नवंबर एंड 13 इज इज डेट ऑफ बर्थ, तो दैट्स व्हाई वी गॉट दिस नंबर. ऐसे तो मतलब 11 हो गया नवंबर, 13 हो गया तारीख, 1113, इससे बेटर क्या हो सकता है. यस. चला एक्साइटेड डैडी. अच्छा ये पापा के पास दे दो, ये तो कोई ऊपर रखने पड़ेगी हाइट पे. स्क्रू ड्राइवर गिव मी माय स्क्रू. व्हाट डू यू वांट? स्क्रू
अच्छा पापा देंगे। अच्छा अच्छा, एडी की थोड़ी डाउन हालत है, मेरी भी, हम दोनों को ना थोड़ा सा जुकाम सा हो गया है, पर हम ठीक हो जाएंगे। अच्छा ना 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 ना, अच्छा देती हूँ। Hi guys, so today is the next day. मैंने जैसे आपको नंबर प्लेट भी दिखाया था कल, हमारा HP 58A1113 जो आ गया था, उसकी एक्साइटमेंट हुई इतनी हमें। एंड उसके अलावा मैं बताना चाह रही थी कि मैं आज मैं ब्लैक कॉफ़ी पीने वाली हूँ, ना जाने अरसों बरसों बाद मैं यूजुअली ब्लैक कॉफ़ी पीती नहीं, वरना मुझे पिंपल्स हो जाते हैं। एंड मेन रीज़न है कि मैं और एडी हम दोनों ही बीमार हो चुके हैं। बारिश इतनी हुई कुछ दिन पहले, तो एडी को भी जुकाम हो गया और मुझे भी। वेल, ये तो होते ही रहता है, या सीज़न जब चेंज होते हैं तो ये सबको होता है, सो इट्स ऑल गोना बी फाइन। मगर मैंने सोचा थोड़ा रनी नोज़ भी है, प्लस थोड़ा अनईजी फील हो रहा है, मैंने कहा मैं ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी, हु नोज़ आई माइट फील बेटर। तो मैं आपको दिखाती हूँ, आई एम गोना ड्रिंक माई कॉफ़ी इन दिस ब्यूटिफुल कप, इट्स अ बिग मग कप जो भी कह लो, ये MG Estee वालों ने ही दिया था, तो मैं सोची मैं इसी में ही पीऊँगी। एंड आई एम होपिंग टू गेट वेल सून। बस इसी में ही मैं यही डाल लेती हूँ, जस्ट द कॉफ़ी। ये लो भाई, हो गया, दैट्स इट। पूरे स्मोकी हो गया। लेट्स जस्ट क्लीन द लेंस। ओके, लेट्स क्लीन, हो गया। ओके, क्लीन हो गया। तो ये है ब्लैक कॉफ़ी। अब मैं सोचूं मैं इसमें शुगर मिलाऊं या ना मिलाऊं, शायद मिलाना चाहिए, तब जाके ही मुझे ठीक हुआ है। अब ब्लैक कॉफ़ी एज इट इज पी लूं। मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी ना एनर्जी ड्रेन आउट हो गई है। एक मिनट, शायद एडी जाग तो नहीं गया। नहीं नहीं, एडी सोया है, आई वाज वॉरिड कहीं वो उठ जाएगा, तो फिर वैसे ही वो सोया, अभी रेस्ट कर रहा है। सो लेट्स जस्ट पुट इन सम कॉफ़ी, शुगर। शुगर भी थोड़ा सा ही लूँगी, ज़्यादा तो नहीं, चीनी भी कोशिश करती हूँ मैं कम खाने की, कम लेने की है। वैसे खाते तो हैं पहले चीनी, तो बचपन में मैंने तो वो मिल्क पाउडर होता था ना नेस्ले का, और शुगर उसे मिक्स करती थी, और बहुत पसंद था, तो मैं बहुत खाती थी। लेट्स जस्ट होप कैसा है, देखिए टेस्ट। थोड़ा काला है, मतलब काला नहीं, कड़वा है, थोड़ा डार्क सा लग रहा है, पर लेट्स जस्ट ड्रिंक एंड आई होप नाक खुल जाए। आई एम जस्ट ड्रिंकिंग ताकि ना ये नेजल पैसेज जो है थोड़ा ओपन हो जाए। लेट्स जस्ट होप दिस वर्क्स, एंड दैट्स ऑल। और क्या कहें, बस देखते हैं कहीं अगर एडी के साथ कहीं गई शाम को, तो वैसे कुछ करने को तो है नहीं आज, रेस्ट कर रहे हैं। एडी को मैंने अभी थोड़ी देर पहले दवाई भी दे दी थी, और दवाई वो पी नहीं रहा, तो मैंने क्या किया, जूस में ही पैरासीटामोल मिक्स करके दे दिया, ORS में, तब जाके उसने पिया। सो समहाउ सोचो एज अ मॉम क्या क्या सोचना पड़ता, आइडिया जुगाड़, कैसे क्या करे कैसे क्या ना करे। चलो एनीवेज गाइस, टेक केयर, देखते हैं। हेलो गाइस, तो ना मैं और एडी अभी भी ठीक नहीं है। आज शायद डे थर्ड है, डे फोर्थ है, ना जाने कितने दिन हो गए। तो मैं अभी पीने लगी हूँ, ग्रीन टी पीऊँगी मैं, वो भी कौन सा है, ऑर्गेनिक इंडिया, ऑर्गेनिक इंडिया का ग्रीन टी पीने वाली हूँ। मैंने कहा पीऊँगी तो थोड़ा ठीक होगा। साथ में फ़िलहाल जो हनी मैं यूज़ कर रही वो ये है, चिया गया गॉड नोस मल्टी फ्लोरल हनी, कुछ खास टेस्ट तो नहीं है, ठीक ठाक ही है। सो लेट्स जस्ट पुट इन सम हनी, बस हनी थोड़ा डाल के पानी डाल लेती हूँ। आई एम होपिंग कि ठीक हो जाऊँ, वैसे दो तीन दिन तो, मतलब हफ्ता तो लग ही जाता है अगर किसी को जुकाम हो, है ना। तो लो देखो जी, पानी डालते हैं। चलो इसको डिपिंग करने रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर ये डिप हो जाएगा। एडी भी ठीक नहीं है। नो नो, मैं यू हैव टॉयज, आई विल बाय यू टॉयज लेटर। हाउ आर यू फीलिंग नाउ,
बेटर. ठीक है जी, फिर मिलते हैं. और हाँ, अबाउट दैट नंबर प्लेट, हमने कहा था ना वो नंबर प्लेट जो हमारा आ गया था, हम सोचे थे हम जाएंगे नंबर प्लेट लगवा लेंगे, बट देन हालत किसी की भी ठीक नहीं है कि हम जाए नंबर प्लेट लगवाने, और मौसम भी अलाउ नहीं कर रहा. अभी थोड़ी देर के लिए धूप आई है, ना जाने फिर कब बारिश शुरू हो जाए, तो इसलिए हम जा ही नहीं रहे. ओके गाइस, सो वी लव यू ऑल, लाइक शेयर सब्सक्राइब बनाए रखे, टेक केयर, बाय.